सभी को नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से मैं प्रधानमंत्री औपचारिकरण सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के क्षमता निर्माण गतिविधि के अंतर्गत अनानास कैंडी की तैयारी पर वीडियो प्रदर्शन सत्र के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहा जाता है कि अनानास की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई है और यह पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो सूजन से लड़ सकता है। इसके अलावा इसे वैज्ञानिक नाम अनानास कॉस्मोसस के रूप में जाना जाता है। इस फल के बहुत से लाभ हैं, जैसे कि अच्छी पाचन में सहायता और स्वास्थ्य की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ावा देना। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के अनुसार कैंडिड फ्रूट्स का मतलब परिपक्व और पके फल, सब्जियों, प्रकंदों या फलों के छिलकों से तैयार उत्पाद से है जिसे संग्रहित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिठास देने वाले एकाग्र शर्करा के घोल में संरक्षित किया गया हो। विनिर्देशों में शामिल है, कुल भार के अनुसार पदार्थ में शर्करा की मात्रा 70% से कम नहीं होनी चाहिए, रिड्यूसिंग शर्करा कुल शर्करा का 25% से कम नहीं होना चाहिए। अब हम अनानास कैंडी के प्रसंस्करण को देखेंगे। परिपक्व और पके अनानास के फलों का चयन करें, पीने योग्य पानी से धोएं, अखाद्य हिस्से को हटा दें और फलों को छील लें, छिले हुए फलों को छोटे और बराबर भागों में काट लें। अब कटे हुए टुकड़ों को 100 ppm सल्फर डाइऑक्साइड के घोल में 10 मिनट के लिए छोड़ें। यह एंजाइम के ऑक्सीकरण और ब्राउनिंग को रोकने में मदद करेगा। अब परासरणी निर्जलीकरण उपचार के लिए प्रत्येक 1 लीटर पानी में 500 ग्राम शर्करा को गर्म करके शर्करा का घोल तैयार करें। सुनिश्चित करें कि चाशनी 40 से 70 डिग्री ब्रिक्स के साथ उचित स्थिरता पर हो। शर्करा के घोल को कमरे के तापमान पर लाएं, अशुद्धियों को दूर करने के लिए छानें और इसमें कटे हुए फल डालें। उसके बाद 5 से 6 घंटे तक छोड़ें। झरने के माध्यम से सिरप को निकाल दें। छने हुए फल के टुकड़ों को ट्रे ड्रायर में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 6 से 8 घंटों के लिए रखें। कैंडी के सूख जाने के बाद हम अनानास कैंडी को आइसिंग शर्करा की परत चढ़ा सकते हैं। तैयार अनानास कैंडी को उपयुक्त वायु रहित डब्बों में भरकर बंद करें और कमरे में प्रशीतन हालत में संग्रहित करें। अब तक हमने प्रधानमंत्री औपचारिकरण सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत अनानास कैंडी प्रसंस्करण के प्रदर्शन वीडियो को देखा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ साझेदारी में मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्रीकरण शुरू कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे वेब लिंक पर जाएं।